शहर ऑफ मेलबोर्न। आज हमारा टॉपिक है कनाडा वर्क परमिट के हवाले से। आज से तकरीबन 10 महीने पहले हमने एक वीडियो बना के भी डाली थी यूट्यूब पे अपने एयर सर्कल ट्रैवल में, तो उसके बाद जो है बहुत अच्छा रेशो चल रहा था, लेकिन बीच में लॉकडाउन की वजह से जो है इनका कनाडा वर्क परमिट का रेशो स्लो हो गया था। तो अभी कुछ दिनों पहले से इनकी हमारी जितनी एप्लीकेशन रुकी हुई थी उन सबका बड़ी स्पीड से आंसर आया, और उसके अलावा ये है कि इनकी तरफ से रेशो बहुत अच्छा हो गया है कनाडा वर्क परमिट का। वहाँ जॉब्स भी नहीं हैं, जॉब भी आ गई हैं। तो काफ़ी लोगों ने हमसे बीच में कांटेक्ट किया था जिनको हमने कहा था कि अभी प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है तो अभी आप अप्लाई ना करें। तो अभी ये है कि दोबारा से एक अच्छा आंसर मिल रहा है लोगों को, और पिछली वीडियो में हम सब बता चुके हैं कि इसके लिए कोई ख़ास क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। अगर किसी ने मैट्रिक भी किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है, और ना कुछ खास डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। अगर उसके पास एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लस पॉइंट है, और एक पासपोर्ट NIC और फोटोग्राफी हमें चाहिए उसका, और उसके लिए वो अप्लाई करें। इस वक्त एक अच्छा रेशो है कनाडा वर्क परमिट का, टाइम वेस्ट ना करें। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई पेमेंट आपने पहले नहीं देनी है, पहले आपकी वीज़े की अप्रूवल आएगी और उसके बाद जो है आपने वर्क परमिट की पेमेंट देनी है। तो इस वजह से दोबारा से न्यू वीडियो के साथ मैंने दोबारा वीडियो बनाई, तो बिल्कुल आप जल्दी जल्दी हमसे कॉन्टेक्ट करें, स्क्रीन पे हमारा नंबर है। और कनाडा के हवाले से और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सलाम।